हेलो दोस्तों, मैं शेख मिराज। आज की वीडियो में जो तो मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जो हमारे दोस्तों ने जो है तो मुझसे फ़ोन कर व्हाट्सएप पर जो है तो पूछी थी। अलग अलग सवाल थे उनके, सभी प्रश्नों के सवाल के मैंने जो है तो जवाब जो है दिए हैं। मेरे वीडियो अगर आप सब देखते हैं तो सब मेरे वीडियो में सारे सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे। टोटल जानकारी मैंने दी, जो जो मुझे मुश्किलें आई, सवाल आए, तो वो सबका जवाब मैंने जो है तो दिया है। मेरे समय मुझे जो है इतने कुछ आंसर मिले नहीं कहीं से, क्योंकि नी स्टिफ का प्रॉब्लम जो है तो एक भी वीडियो देखा यूट्यूब पर, कितने भी वीडियो देखे आपने, तो नी स्टिफ के नहीं है उसमें जैसा है ना, दूसरे फ्रैक्चर के, फिर रॉड प्लेट जुड़ना चलना ये तो है आम, लेकिन जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम कहेंगे उसको एक इन्फेक्शन, और दूसरा जो है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही नी स्टिफ का ही बहुत ही प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मेरा था और वीडियो नहीं थे बोल के जो है तो मैंने वीडियो बनाया और किसी को मदद हो तो चलो उसका फ़ायदा भी हो रहा है। तो ऐसे हमारे दोस्त ने जो है तो कुछ मुझे सवाल पूछे थे, उसी के ऊपर मैं उनको रिप्लाई दिया मैंने व्हाट्सअप पर, फ़ोन पर वही जानकारी, वैसे सवाल जो है तो बहुत सारे दोस्तों को, पेशेंट्स को आते हैं हमारे, उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो, इसलिए जो है तो ये वीडियो में मैं बना रहा हूँ और ये इस वीडियो में जो है तो उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो तो राजेंद्र नाम भाई है हमारे, 20-22 साल की उम्र है इनकी, और इनकी बोन जो है तो विदाउट ऑपरेशन की, यानी इम्प्लांट किया नहीं गया, सिर्फ प्लास्टर से ही जो है तो प्लास्टर लगाकर ही जो है तो इनकी बोन जुड़ गई, 2 महीने हो गए जुड़ गई। उन्होंने मुझे कॉल किया और अभी जो है तो 2 महीने के बाद बोन जुड़ रही है, जुड़ गई लगभग, वो चढ़ रहे मतलब बोन जुड़ गई, 20% वजन देकर जो है तो चढ़ रहे। तो उनको लगा मैं कब की ठीक हो जाऊंगा, कब मैं फुल वेट देकर चल सकूंगा। हाँ, तो अगर जिनका सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि आपका जो है तो विदाउट ऑपरेशन हो गया, क्योंकि ऑपरेशन के बाद रॉड डालो या प्लेट डालो, फिर उसमें नी जाम के खतरे, इन्फेक्शन के खतरे, परेशानी है ना, दर्द, इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, इससे आप बच गए। फिर उसके बाद डबल और निकालना भी पड़ता, तो ये सब जो है तो आपका बहुत अच्छा हो गया कि आपका जो है तो प्लास्टर में ही काम हो गया। इनका सबसे बड़ा आपकी जो जो प्रॉब्लम है कि पैर जो है तो उनका जो फ्रैक्चर वाला पैर जो है तो कैसा है, पतला है, तो आपका ही नहीं सभी का जो है तो पैर पतला रहता है सबका, मेरा भी पैर पतला था और सभी का पैर जो है तो पतला होता है, ये एकदम नॉर्मल बात है, इस पर जो है तो ध्यान देने वाली बात ही नहीं, ये अपने आप ठीक हो जाता है, इसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मसाज वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ चलते रहो, एक्सरसाइज वो होगी चलेगी, आप नॉर्मल हो गए कि वो भी जो है तो नॉर्मल हो जाता। मेरा भी एक साल के बाद जो है तो नॉर्मल हो गया था। अब साल लग गया मुझे, क्यों लग गया, क्योंकि साल के पहले चार से छः महीने तो मैं बेड पर ही था, है ना, प्लास्टर ही था 4 महीने, तो इसलिए मुझे साल लग गया। ये 5-6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जो है तो लगभग नॉर्मल पैर हो जाते। 1 साल पकड़ लो किस को, दोनों पैर एक जैसे दिखते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई तो उसमें आपको बताया मैंने, दोनों भी पैर जो है तो मेरे बताए कि आप किस तरह से नॉर्मल हो गए, एक जैसे मसल भी जो है तो दोनों की एक जैसी है, हाइट सब एक जैसा हो गया, तो आपका भी हो जाएगा। इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बस आप 20% वज़न दे रहे, बस 20% वज़न जो जैसा डॉक्टर ने बोला है जितना वज़न देने का, उतना वज़न देते हुए आप बस चलना शुरू करो, धीरे धीरे जैसा होगा वैसा चलते रहो। हाँ, आपको रॉड प्लेट नहीं लगी है तो बस इतना कहूँगा कि वज़न जो है तो डॉक्टर से पूछ कर ही दो, ज़्यादा वज़न अभी नहीं भी दिया आपको, अगर 2 महीने ज़्यादा भी लगते हैं रिकवरी को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 महीने ज़्यादा भी लगे तो लगने दो, और पैर पतली की जो है तो आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। बस वीडियो को बस यही बात इसमें जो है तो बतानी थी, अगले दूसरे वीडियो में जो है और दूसरे दोस्तों की जो है तो अलग 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 प्रॉब्लम जो है तो मैं बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देखो हमारे देखने वाले तो बहुत सारे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप सब्सक्राइब करो, मेरा फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम को है ना फॉलो करो। ओके, आज के लिए धन्यवाद।